नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस फाइनेंस के एक और एपिसोड में। यहाँ पर हम बिजनेस फाइनेंस न्यूज, फाइनेंस टिप्स और लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। आज बिजनेस फाइनेंस में हम बात करेंगे मुद्रा लोन के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस केस स्टडी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। मुद्रा लोन में हम लोन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, अगर हम लोन लेते हैं तो रिपेमेंट पीरियड क्या हो, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। अगर हम इस लोन को लेना चाहें तो कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, उसका प्रोसेस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुद्रा लोन स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है जिसे अप्रैल 8, 2015 में लॉन्च किया गया था, जो MSME मतलब स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के मोटिव से शुरू की गई है, ताकि वो अपने ऑक्यूपेशन या बिजनेस को बढ़ावा दे सके। एक स्टडी के हिसाब से 94% स्मॉल बिजनेसेस को कोई बैंक NBFC अपने रिस्क पर फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करता है, उन्हें नॉन फॉर्मल तरीके से लोन लेना पड़ता है, जैसे कि रिलेटिव, फ्रेंड्स, और वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मुद्रा लोन फॉर्मली इन छोटे बिजनेसेस को फाइनेंशियल हेल्प देने के पर्पस से स्टार्ट किया गया है, ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके। ये लोन कॉमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और NBFC से लिया जा सकता है। मुद्रा लोन को टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल या दोनों के रूप में दिया जा सकता है। मुद्रा स्कीम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले शिशु, इसमें उन बिजनेसेस को शामिल किया गया है जिन्हें फंड की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, मतलब जो बिजनेस बहुत बेसिक लेवल पर कर रहे हैं या फिर उन्हें स्टार्ट ही किया है। एग्जांपल के लिए एनी स्टार्टअप, एनी एंटरप्रेन्योर, इस कैटेगरी में जो लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है वो 50,000 रुपये तक होता है। दूसरी कैटेगरी है किशोर, इस कैटेगरी में वो बिजनेसेस शामिल हैं जो ऑलरेडी एक लेवल तक इस्टेब्लिश हैं, लेकिन इन बिजनेसेस को एक्सपेंशन के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। इस कैटेगरी के अंडर गवर्नमेंट जो लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है वो 50,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक होता है। थर्ड कैटेगरी आती है तरुण, इस अंडर वो बिजनेसेस लोन ले सकते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, जिनकी हायर फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। इस कैटेगरी के अंतर्गत 5,00,000 से लेकर 10,00,000 रुपये तक का लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन से बिजनेसेस हैं जो मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन्वॉल्व हैं वो इस लोन फैसिलिटी को अवेल करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग सेक्टर, इसमें रिटेलर्स, ट्रेडर्स और मर्चेंट शामिल हैं जो गुड्स को खरीदते और बेचने के बिजनेस में शामिल हैं, वो भी मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर, इसमें रेस्टोरेंट, सैलून, रिपेयर शॉप्स या फिर जो स्मॉल स्केल पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो शामिल है। सर्विस सेक्टर में प्रोफेशनल को भी शामिल किया गया है, जैसे कि डॉक्टर, अकाउंटेंट और कंसल्टेंट। इसमें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटी भी शामिल की गई हैं, जैसे कि फार्मिंग, पोल्ट्री, डेयरी, फिशिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग। ये सभी एक्टिविटी मुद्रा लोन के अंडर एलिजिबल हैं। फिर एक और कैटेगरी आती है आर्टिसन एंड हैंडीक्राफ्ट, इसमें जो लोग ट्रेडिशनल क्राफ्ट, हैंडलूम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं वो सब भी मुद्रा लोन ले सकते हैं, जिससे वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, शॉपकीपर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वेंडर्स, फूड यूनिट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस शॉप्स या ऐसे ही कोई और लोग जो काम कर रहे हैं रूरल या अर्बन एरिया में, ये सभी मुद्रा लोन के अंतर्गत ले सकते हैं। चलिए अब हम मुद्रा लोन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। वैसे तो ये लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और उनकी असेसमेंट प्रोसेस पर डिपेंड करता है, लेकिन हम कुछ जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं जो कि जरूरी है लोन अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आता है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को यह लोन मिल सकता है। यह लोन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड वर्क के लिए मिल सकता है। दूसरा है लोन कैटेगरी, एप्लीकेंट मुद्रा लोन में डिवाइड की गई लोन कैटेगरी जैसे कि शिशु, किशोर और तरुण में कैटेगराइज होना चाहिए। थर्ड इज सिटीजनशिप,
मुद्रा लोन फैसिलिटी अवेल करने के लिए एप्लीकेंट को इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। फोर्थ इज बिजनेस विंटेज। यह लोन न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस को मिल सकता है। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो आपका बिजनेस प्लान बहुत मायने रखता है, और अगर आप एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हैं तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन बिजनेसेज ऑपरेशंस हिस्ट्री को प्रेफरेंस देते हैं। फिफ्थ इज बिजनेस प्लान। एप्लीकेंट के पास प्रॉपर बिजनेस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। लोन का पर्पज क्लियर होना चाहिए। लोन को कैसे और कहाँ यूज करना है उसकी आउटलाइन क्लियर होनी चाहिए। साथ में यही पता होना चाहिए कि लोन को आप कैसे रिपे करेंगे। सिक्स इज लोन पर्पज। बैंक को ये जानकारी चाहिए होती है कि जो लोन ले रहा है उसका क्या पर्पज है, जैसे कि लोन की रिक्वायरमेंट किस पर्पज के लिए है, वर्किंग कैपिटल, इक्विपमेंट परचेज के लिए है या फिर एक्सपेंशन के लिए। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या स्टार्टअप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, स्टार्टअप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके पास जो तीन कैटेगरी डिवाइड की गई हैं, स्टार्टअप को उन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में लोन मिल सकता है। अब मुद्रा लोन के इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। मुद्रा लोन में इंटरेस्ट रेट मुद्रा लोन की कैटेगरी पर डिपेंड करता है, जैसे कि शिशु, किशोर और तरुण, इन सब के इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक वैरी करते हैं। इसलिए लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चेक करने के लिए आप अपने बैंक से कॉन्टेक्ट करें। अब बात करते हैं मुद्रा लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या कोई भी गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी दे सकते हैं। सेकंड इज एड्रेस प्रूफ। इसमें भी आप आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या कोई भी गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी दे सकते। कोटेशन ऑफ मशीनरी। मशीन की कोटेशन आपके पास होनी चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा सभी रजिस्टर्ड बिजनेसेस को जारी किया एक डॉक्यूमेंट होता है। यह बिजनेस के एग्जिस्टेंस के प्रूफ होता है। प्रूफ ऑफ इनकम। यह कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो आपकी इनकम शो करता हो, जैसे सैलरी स्लिप्स, बिजनेस इनकम स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न। क्रेडिट रिपोर्ट। यह एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री शो करता है। यह आपके लोन चुकाने की क्षमता को इंडिकेट करता है। ये सभी डॉक्यूमेंट बैंक टू बैंक वैरी कर सकते हैं, तो लोन अप्लाई करने से पहले बैंक से कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। यह भी जान लेते हैं कि मुद्रा लोन की कैटेगरी के हिसाब से आपकी रिपेमेंट पीरियड कितना होता है। मुद्रा लोन का रिपेमेंट लोन कैटेगरी पर डिपेंड करता है, हालांकि रिपेमेंट पीरियड आमतौर पर 5 साल तक हो सकता है। शिशु कैटेगरी में 3 to 5 years के लिए हो सकता है, किशोर कैटेगरी में 3 to 7 years के लिए हो सकता है और तरुण कैटेगरी में 3 to 10 years के लिए हो सकता है। अगर लोन का इस्तेमाल एसेट्स, मशीनरी या किसी या फिर कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए किया गया है तो रिपेमेंट पीरियड थोड़ा ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। बोरोअर की लोन रिपेमेंट एबिलिटी पर भी रिपेमेंट पीरियड डिपेंड करता है। जिस बोरोअर की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है और जो कोलेटरल प्रोवाइड करवा सकते हैं उन्हें भी रिपेमेंट पीरियड का टाइम इंक्रीज किया जा सकता है। प्रोसेसिंग फीस। मुद्रा लोन में लोन कैटेगरी और लोन अमाउंट के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस भी ली जाती है। शिशु में 50,000 रुपए तक के लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है। अगर लोन अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो लोन अमाउंट के हिसाब से 0.050% प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी। किशोर कैटेगरी में 5 लाख तक के लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है। अगर लोन अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है तो लोन अमाउंट के हिसाब से 1% प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है। तरुण कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है। अगर लोन अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है तो लोन अमाउंट के हिसाब से 1.5% प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है। ये हमने बस प्रोसेसिंग फीस की बात की है। इसमें मुद्रा लोन से जुड़े और भी चार्जेज ऐड हो सकते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेज। ये चार्जेज लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस और जिस स्टेट में लोन लिया गया है उसके बेसिस पर अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए लोन अप्लाई करने से पहले एग्जैक्ट प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्जेज चेक करना जरूरी होता है। मुद्रा लोन लेने के कई फायदे हैं, जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट, लो रिपेमेंट पीरियड, लोन विदाउट कोलेटरल, गवर्नमेंट सपोर्ट, इजी एप्लीकेशन प्रोसेस, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन। अब हम समझेंगे कि मुद्रा लोन स्कीम से शुरू करने के पीछे कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव MSME को फाइनेंशियल स्ट्रीम में लाना है, जिससे MSME आसानी से फाइनेंशियल हेल्प ले सकें।
इस स्कीम के अंडर एमएसएमई आसानी से बिजनेस ग्रोथ के लिए या एक्सपेंशन के लिए अपनी नीड के हिसाब से वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं। यह स्कीम फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाकर एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है। इससे क्या होगा, एमएसएमई को नर्चर करके मुद्रा स्कीम देश में जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देती है ताकि रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट हो सके और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। मुद्रा स्कीम वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर एम्पावर करने के लिए जरूरी फाइनेंशियल बैकअप भी प्रोवाइड करती है। मुद्रा स्कीम में माइनॉरिटी को भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाकर बिजनेसेस को बढ़ाने का बराबर का मौका दिया गया है। अब मुद्रा लोन स्कीम से होने वाले बेनिफिट्स को भी समझते हैं। मुद्रा लोन के लिए अर्बन और रूरल एरिया में इंडिविजुअल और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बिजनेस किस स्टेज पर है उस हिसाब से बिजनेस फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए बिजनेस प्लान प्रिपेयर करना, जरूरी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना और एप्लीकेशन को ऑथराइज पर्सन को सबमिट करना शामिल है। चलिए अब मुद्रा लोन के की फैक्टर्स को समझते हैं। मुद्रा लोन स्कीम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करती है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट को ज़्यादा से ज़्यादा एसेसेबल बनाया जाए, स्पेशली उनके लिए जिनके पास ऑफर करने के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट कोलेटरल फ्री लोन तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन बोरोअर को लोन के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, इनकम और लोन अमाउंट को कहां और कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना नेसेसरी है। ये सारी इंफॉर्मेशन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को बोरोअर की लोन एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। मुद्रा स्कीम को एग्जिस्टिंग बिजनेसेस और न्यू स्टार्टअप दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। मुद्रा लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। अब समझते हैं कि मुद्रा लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन में अप्लाई करने के लिए कुछ जनरल स्टेप्स की बात कर लेते हैं। लोन के लिए सबसे पहले लैंडिंग इंस्टीट्यूशन चूज करना होगा, इसको क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मुद्रा लोन के लिए ऑथराइज किया है। दूसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं जो लोन एप्लीकेशन के लिए जरूरी हैं। इसमें आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट शामिल है। थर्ड स्टेप में आपको बिजनेस प्लान की डिटेल रेडी करनी है। इसमें लोन लेने का पर्पज क्लियर होना चाहिए, फंड को कैसे यूटिलाइज करेंगे, बिजनेस ग्रोथ का प्लान और लोन रिपेमेंट का प्रोसेस मेंशन करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने डॉक्यूमेंट को लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ब्रांच में लेकर जाएंगे जो मुद्रा लोन ऑफर कर रहे हैं। फिर वहां आप अपने लोन ऑफिसर से बिजनेस प्लान और लोन रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। वो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे, साथ में लोन कैटेगरी की डिटेल भी देंगे, इसके साथ टर्म और कंडीशन भी बताएंगे। ये सब समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। फॉर्म फिल करते समय आप अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, अपने बिजनेस की कंप्लीट डिटेल और फंडिंग नीड को सभी से सही से फाइल करें, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से लोन कैंसिल हो सकता है। इसके साथ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे, क्योंकि लोन देने से पहले लेंडर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जरूर करता है। अगर लोन एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है तो एप्लीकेंट को एक अप्रूवल नोटिफिकेशन रिसीव होगा, जिसमें अप्रूव्ड लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, रिपेमेंट पीरियड और दूसरे टर्म्स इंक्लूड होंगे। अगर एप्लीकेंट को सारी टर्म्स और कंडीशन मंजूर हैं तो डॉक्यूमेंट साइन होंगे और फिर लास्ट स्टेप आता है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट प्रोसेस लेंडर के प्रोसेस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड आपको बताऊंगा। मुद्रा लोन अप्लाई करते हुए कुछ कॉमन मिस्टेक्स एमएसई करते हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि क्लियर बिजनेस प्लान ना होना, लोन अप्लाई करने से पहले आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए जिसके बेसिस पर लोन सक्सेसफुली मिल सकता है, गुड क्रेडिट हिस्ट्री ना होना। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पास्ट बोरोइंग और रिपेमेंट हैबिट का एक रिकॉर्ड होता है,
लेंडर आपकी लोन रिपे कैपेसिटी देखने के लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को एसेस करता है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है तो अप्रूवल में मुद्रा लोन के लिए आपको मुश्किल हो सकती है। मंथली पेमेंट अफोर्ड ना कर पाना, लोन लेने से पहले ये एश्योर कर लें कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट को अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। नॉट अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन, बिफोर यू साइन द लोन एग्रीमेंट, साइन करने से पहले आप टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लें और समझे। टॉक टू ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझकर लोन रिपे करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग में आपकी हेल्प करेगा। तो ये थी मुद्रा लोन की पूरी जानकारी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको मुद्रा लोन से रिलेटेड किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो आप फाइनेंस सेवा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुद्रा लोन के सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन इसके लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं और अपने लोन को अप्रूव करा सकते हैं।